श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंच पर उपस्थित दंडी स्वामी अम्बरीश आनंद सरस्वती जी महाराज, भाई शारदानंद ब्रह्मचारी जी, सिंधी समाज के गुरु साईं जल कुमार मसंद साहिब जी, यहाँ पर उपस्थित संत जन, विद्वत जन, सुधी श्रोता जन, मातृशक्ति और छात्र वृंद, धर्म चर्चा के अंतर्गत सामान्य धर्म के बारे में समझने का प्रयास अपने लोग कर रहे हैं। कल इंद्रिय निग्रह नाम के धर्म के बारे में हम लोगों ने सुना। इंद्रियों का निग्रह क्यों करना है? क्योंकि हमारा जो मन है, मुख्य इंद्रिय, अंदर की इंद्रिय, उसके मन में कामनाएं हैं और उन कामनाओं की पूर्ति में ये इंद्रियां सहयोगी बन रही हैं। वो इच्छा करता है, सुंदर सा रूप दिखता तो देखता मैं, आनंदित होता, तो जैसे ही वो सोचता है कि मैं रूप देखूं, कामना करता है, वैसे ही चक्षुरेंद्रिय सक्रिय हो जाती है और वो आंखों में आकर के आंखों की पलक को खोल देती है और उसमें से रोशनी फेंकती है रूप के ऊपर और रूप को अंगीकार करके और फिर मन के पास भेज देती है। मन को शांति थोड़ी देर के लिए मिलती है, लेकिन एक कामना पूरी होने से तृप्ति कहाँ होती है? इसलिए फिर उसके मन में होता है कि मैं जरा शब्द सुनता तो फिर कर्णेन्द्रिय सक्रिय हो जाती है, वो शब्द में जाती है, वहां से शब्दों को पकड़ करके मन के पास ले आती है, शब्द का अनुभव करा देती है। तब तक मन के मन में हो जाता है कि मैं थोड़ा स्वाद चखता तो रसना इंद्रिय सक्रिय हो जाती है, वो अपना काम करती है, फिर त्वक इंद्रिय सक्रिय होकर के अपना, जैसी जैसी मन में कामना जागती है उन्हीं उन्हीं कामनाओं को पूरा करने में ये इंद्रियां उसका सहयोग करती हैं। इसीलिए या तो मन को जीतें या तो फिर इंद्रियों को जीत लें तो वो कामना ही करेगा, कामना करने के अलावा कुछ कर नहीं सकेगा। ये बात कल हुई, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लो, मन के कहे पे ये ना चलें। अब मन के ऊपर हम सवार हो गए, मन को घोड़ा बना दिया। अभी तक मन क्या था? वही सवार बना हुआ था खुद, अब उसके ऊपर हम सवारी कर रहे हैं।
और उसकी लगाम अपने हाथ में हमने ले ली। क्या होता है कि एक राजा होता है और एक मंत्री होता है। ये बड़ा सवाल है कि बड़ा कौन है, राजा बड़ा है कि मंत्री बड़ा है? क्यों? क्योंकि राजा पद में बड़ा दिखाई देता है, लेकिन मंत्री निर्णय सारे वही लेता है। राजा तो केवल हाँ ना कहता है, या तो हस्ताक्षर कर देगा और या तो लौटा देगा, इससे ज़्यादा उसका काम नहीं। मंत्री वो तय करता है सब चीज। तो राजा और मंत्री का खेल है ये। राजा होकर के भी असल में कुछ नहीं होता। आज की परिस्थिति में विचार कर लो, क्या हालत है राजा की? जो कहा जाएगा वही करेगा, आदेश का पालक है राजा, लेकिन मंत्री ने उसके ऊपर अधिकार जमा लिया है। अब मंत्री जैसा जैसा कहेगा, राजा वैसा वैसा करेगा। तो ये आत्मा राजा है और मन उसका मंत्री है, लेकिन शासन किसका चल रहा है? मंत्री का शासन चलने लग गया, राजा का शासन नहीं चल रहा है। वो तो कहीं पीछे राजमहल में कैद है, आप खाइए पीजिए यहीं रहिए, कुछ बोलिए मत। बोला तो खबरदार अपदस्थ कर दिया जाएगा, ऐसी परिस्थिति है। तो जैसी परिस्थिति देश में है वैसी हमारे अंदर है। आत्मा राजा है, स्वप्रकाश है, लेकिन मन को उससे प्रकाश मिलता है और उसके प्रकाश में प्रकाशित होता हुआ मन खुद ही राजा बन बैठा है। अब उसको जो मन आता है वही करता है। इसलिए मन की जो मनमानी है उस पे अंकुश लगाना, इसी का नाम इंद्रिय निग्रह है। उसको पंगु बना दो। कोई बहुत भागने वाला है उसके पैर तोड़ दो, कोई बहुत काम करने वाला है उसके हाथ तोड़ दो। क्या करेगा फिर? भागने वाला नहीं रह जाएगा, काम करने वाला नहीं रह जाएगा। ऐसे ही मन जो है उसमें कामना है, लेकिन उसकी पूर्ति तो इंद्रियों से होती है। अगर इंद्रियों को ही हम कंट्रोल कर दें, नियंत्रण में ले लें, फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कामना का क्या करेंगे? इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करने से मन की कामनाएं तो समाप्त नहीं हो जाएंगी। मन के ऊपर भी नियंत्रण कर लिया, लेकिन मन तो स्वभाव छोड़ छोड़ देगा, कामना तो करेगा। तो ये कामनाएं होती रहती हैं। कामनाओं के बारे में चर्चा करें तो दो प्रकार की कामनाएं हैं हमारे मन में। एक है लौकिक और दूसरी है पारलौकिक। दो तरह, एक इस लोक में लौकिक और एक पारलौकिक। यहां लौकिक शब्द से हम जो स्वर्ग आदि है उसको भी ले ले रहे हैं, क्योंकि पारलौकिक शब्द से अगर स्वर्ग लेंगे तो फिर एक और शब्द हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि परलोक से भी परे कोई जगह है जहां जाकर के लौटा नहीं जाता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो परम धाम है, स्वर्ग में जाकर के तो लौटना पड़ता है। इसलिए उस परम धाम को कहने के लिए फिर परमार्थ के लिए नया शब्द गढ़ना पड़ेगा। इसलिए इस लोक और उस लोक माने स्वर्ग लोक, इन दोनों लोकों को लौकिक कामना में ही रख लिया। और पारलौकिक कामना, ये जो लौकिक कामना है ये भी दो तरह की है। दो तरह इसके कौन कौन से? एक तो सुख पाने की हमारे मन में कामना है कि मुझे सुख मिल जाए, और दूसरी मेरे दुख दूर हो जाए इसकी कामना। दो तरह की कामना हो गई लौकिक, एक सुख को पाने की
और एक दुख को दूर करने की। जो सुख पाने की कामना है उसमें क्या कामना है, जो चाहूं वो मिल जाए। क्या चाहता क्या हूं, आराम चाहता, तकलीफ ना हो। भगवान ने मुझे हाथ पैर तो दिए हैं लेकिन मैं उसको चलाना नहीं चाहता। वाणी दी है लेकिन मुझे उसको हिलाने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं क्या चाहता हूं कि जो सोचूं सो हो जाए। इतना आलसी, हाथ नहीं चलाना चाहता मैं, पांव नहीं चलाना चाहता, यहां तक कि बोलना भी नहीं चाहता। मैं चाहूं वो हो जाए, मैं चाहूं वो हो जाए। घर में रोज झगड़ा किस बात का हो रहा है, दो लोग हैं घर में, मन में सोच रहे हैं कि ये ऐसा कर दे, बोल नहीं रहे हैं। अगले को क्या पता कि तुम मन में क्या सोच रहे हो। और सोचते रहे और जब उसने नहीं किया तो गुस्सा हो गए, इसको समझ में नहीं आता है कि मुझे ये जरूरत होगी। अरे भाई बोल देते, दो शब्द ही तो बोलने थे, कौन बड़ा पहाड़ टूट पड़ता। लेकिन आप बोलते नहीं, आप इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि मेरा जो साथी है वो अपने से समझ ले, मुझे कहना ना पड़े। कहने में आपको दिक्कत है और करने में तो होता ही दिक्कत है। तो ऐसी परिस्थिति में आप आलस्य की पुंज हो गए हैं, आराम तलब हो गए हैं, इसलिए सुख पाने में आपको मूल रूप से क्या चाहना है कि कुछ करना ना पड़े मुझको, यही ना, यही तो सुख समझते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना पड़े। और मैं कुछ ना करूं फिर भी लोग मेरा आदर सम्मान करें, आदर सम्मान तो करने से होता है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। आप कुछ तो करो, लेकिन हम करना कुछ नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि सब लोग मेरा आदर सम्मान करें। मैं तो संत हूं, मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, लोग मेरा सम्मान करें और हम जो हैं उसके अनुसार कुछ ना करें। बिना कुछ किए सम्मान पाने की इच्छा, यही सुख है यार। क्या जिधर से निकल जाएं लोग रास्ता बना दें, बिछ जाएं, करना ना पड़े कुछ। यहां तक कि जब हम मर जाएं तब भी हमारा नाम हमारा रूप जिंदा रह जाए, लोग हमारा नाम लेते रहें, लोग हमारा फोटो बनाते रहें, हमारी मूर्ति लगाते रहें, ये हम चाहते हैं, इससे हमको सुख होता है। मरने के बाद हम स्वर्ग चले जाएं, वहां का सुख भोगे, ये हमारे सुख का विषय है। उसके लिए हम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई ग्रंथ लिखते हैं, ऐसे कुछ कार्य करते हैं जिससे हमारे बाद भी हमारा नाम जिंदा रहे। ये है सुख की प्राप्ति। लेकिन ये बताओ कि ये सब हो गया, आपने जो चाहा हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा, समाज में आपका सम्मान भी हो गया, आप मरे तो आपका नाम भी हो गया, आप स्वर्ग भी चले गए, ये सब हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएगा, जितना पुण्य कमाया है वैसे ही स्वर्ग लोक से फिर से धक्का देके गिरा दिया जाएगा। क्या मिला आपको, जहां थे वहीं आ गए।
इसी को कहते हैं पुनर्मूसको, स्वर्ग में भी चले गए, सब कुछ हो गया, तब भी अंत में हमको पुनः आना होगा, इसी का नाम है पुनर्मूसको भव। एक कहावत है संस्कृत भाषा में, पुनर्मूसको भव, पुनः माने फिर से, मूषक माने चूहा, भव माने हो जाओ। क्या है इसके पीछे कहानी? कहानी क्या है कि एक महात्मा जी अपने आश्रम में रह करके ध्यान तपस्या करते थे। एक दिन जब वो भगवान की पूजा करके ध्यान लगा रहे थे, उसी समय एक चूहा दौड़ करके आया, उनकी गोद में पड़ गया, अंदर ही छुपता सा दिखाई दिया। महात्मा जी को दया आ गई, छोटा सा चूहा, लगता है इसको कुछ किसी ने भय दिखा दिया। चूहे को हाथ में लिया, बोल बेटा तुझे क्या दिक्कत है? कहा महाराज, एक बिल्ली हमको पकड़ने के लिए झपट्टा मार रही थी, वो हमको फाड़ के खा जाएगी, मैं भयभीत हूं। महात्मा जी को दया आ गई, बोले तो हम क्या मदद करें तुम्हारी, बोलो क्या चाहते हो हमसे? कहा महाराज, हमको बिल्ली बना दीजिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है, बिल्ली बन जाएगा तो फिर बिल्ली झपट्टा बिल्ली के ऊपर थोड़े मारेगी, वो तो चूहे के ऊपर मारती। तो उन्होंने मंत्र पढ़े, कहा बिल्ली हो जाओ, बिल्ली हो गया। अब बिल्ली होकर के चला, घर के अंदर इधर उधर घूमा, फिर उसने सोचा कि अब बिल्ली बन गया हूं, थोड़ा बाहर घूमता हूं। और जैसे ही गली में गया, वैसे एक कुत्ता दौड़ पड़ा, भागा वहां से, महात्मा जी की गोद में आके छुप गया। महात्मा जी ने कहा अब क्या हुआ? कहा नहीं महाराज, हम गलत मांग लिए थे, हमको कुत्ता बना दीजिए। कहा अच्छा ठीक है, कुत्ता सही। फिर से मंत्र पढ़ दिया, अब वो कुत्ता बन गया। अब कुत्ता बन के गया गली में, अब कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्ली कोई नहीं है उसको परेशान कर रही, कुत्ते भी नहीं परेशान कर रहे थे। फिर वो दूसरे मोहल्ले में चला गया, और दूसरे मोहल्ले में गया तो वहां दूसरे बड़े कुत्ते थे, वो उसको मारने लगे। भाग के आया, कहा महाराज, हमारी जो जात आपने बनाई है कुत्ते की, वो छोटी है, बड़ी वाली जात वाला कुत्ता हमको बनाई। महात्मा जी ने कहा चल रे बन जा बेटा, बना दिया। अब वो बड़ा अल्सेशियन बन गया। अब निकला, अब उसने सोचा कि अब कौन हमको परेशान करेगा, थोड़ा गांव के बाहर घूम लेता। अब गांव के बाहर चला गया, गांव के बाहर गया तो सियारों का झुंड था वहां, उन्होंने कुत्ते को देखा तो घेर लिया, किसी तरह से जान बचा के, पंजा वंजा तो दो तीन लग ही गया। भाग के आया महात्मा जी की गोद में, महात्मा जी अब क्या है? का सियार बना दीजिए, सियार हमको परेशान कर रहा है। महात्मा जी ने कहा चल, सियार बना दिया। अब सियार बन गया, अब उसने कहा सोचा कि अब सियारों के बीच में चल करके दिखाता हूं। सियारों के बीच में गया तो वो जो झुंड था वो तो जा चुका था, लेकिन एक बाघ आ गया था वहां। और जैसे ही उसने अकेले सियार को देखा, झुंड में होते हैं तो फिर भी बचत होती है, अकेले देखा तो उसने झपट्टा मारा, भागा किसी तरह से, सांस फूलती हुई आकर के महात्मा जी की गोद में गिर गया। नहीं महाराज, मुझे तो बाघ बनाइए। महात्मा जी ने कहा भाई तुम्हारा कुछ अंत ही नहीं हो रहा है, अब चलो ठीक है, बाघ सही, बाघ बना दी। अब बाघ बन गया, अब बाघ बन करके खड़ा हुआ तो वो जो बाघ था वो भूखा बाघ बन गया, और उसने सोचा कि अब क्या खाऊं, तो सोचा महात्मा जी सामने बैठे हैं, महात्मा जी को खा करके भूख मिटा लेता हूं। तो महात्मा जी ने ही बनाया था, अब महात्मा जी के ऊपर ही पंजा मारने के लिए आगे बढ़ा। महात्मा जी ने कहा ओहो, अब हम ही को मार रहा है, तुरंत पानी लिया, कहा पुनर्मूसको भव। फिर से चूहा बन जाओ। तो उसको कितनी प्राप्तियां हुई थी, एक के बाद एक, सीढ़ी चढ़ता ही गया, चढ़ता ही गया, चढ़ता गया, सिंह बन गया। लेकिन सिंह बनने के बाद क्या हुआ?
फिर जहां के तहां। तो ये जो हमारी कामना है लौकिक कामना कि हमको सुख हो जाए, हमने हर तरह का सुख प्राप्त किया, स्वर्ग तक पहुंच गए, लेकिन उसके बाद भी समस्या जहां की तहां है, क्योंकि वहां से वापस आना पड़ता है। इसलिए इससे तो बात बनती नहीं। दूसरी कामना है कि हमारे दुख दूर हो जाए। दुख हैं तीन, एक आदि दैविक, एक आदि भौतिक और एक आध्यात्मिक। आदि दैविक का मतलब है जो देवताओं से दुख मिलता है, सर्दी है, गर्मी है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, सूखा है, महामारी है, ये सब देवता की ओर से प्रकोप होता है, ये दुख है। आदि भौतिक है जो भूतों से, सिंह है, सांप है, चोर है, ये हमारे पास ना आए तब भी हमको इनसे डर लगा रहता है। इसीलिए तो हम घर बना करके दरवाजा बंद करके सोते हैं कि रात को सिंह ना आ जाए, सांप ना आ जाए, चोर ना आ जाए, इनसे हमको भय बना रहता है, ये भी हमको परेशान करते रहते हैं। और इसी तरह से आध्यात्मिक, हमारे शरीर में सिर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, अथवा मन में अवसाद आ गया, आधी और व्याधि, आधी मन की बीमारी है और व्याधि शरीर की बीमारी। इस तरह से आधी व्याधि जो है ये आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। तो तीन तरह के दुख हैं, इन दुखों की भी समस्या है कि अभी अतिवृष्टि हो गई और पानी, अब रोज पानी ही बरस रहा है, फिर हम लोगों ने पंडितों को बुलाया, भैया कुछ करो, बादलों को तोड़ो, तो उन्होंने अनुष्ठान किया, अमुक अमुक मंत्र पढ़े, बादल फट गए, पानी बंद हो गया, बारिश नहीं हो रही थी, हम लोगों ने पंडितों को बुलाया कि महाराज देवता रूठे हैं, उन्होंने कहा कि अखंड अभिषेक कराओ, तो अखंड अभिषेक शुरू किया तो पानी बरसने लगा, लेकिन एक ही बार, तो उसके बाद फिर अगले साल वही समस्या हो जाएगी। शरीर के रोग आपने एक ठीक किया, दूसरा हो जाएगा। मन के रोग आपने एक समस्या दूर की तो दूसरा हो जाएगा। ये दुख भी पूरी तरह से दूर होता नहीं, कोशिश तो हम करते हैं लेकिन बस ऐसे किया तो फिर आया, ऐसे किया तो फिर आया, ऐसे किया तो फिर आया। हटाते रहो, हटाते रहो, हटाने पे हटता है और जैसे ही छोड़ो वैसे फिर आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो हमारी लौकिक कामना है, दो तरह की, एक सुख की प्राप्ति और एक दुख की निवृत्ति, दोनों में हम असफल हो जाते हैं। सुख की प्राप्ति भी थोड़ी देर के लिए होती है, फिर जहां के तहां आ जाते हैं, और दुख की निवृत्ति भी थोड़ी देर के लिए होती है, फिर जहां के तहां आ जाते हैं। इसलिए ये दोनों काम नहीं करती बातें। और इधर पारमार्थिक कामना है, वो जो पारमार्थिक कामना है वो भी दो तरह की है। एक है मुक्ति और एक है भक्ति। मुक्ति का मतलब है कैवल्य मुक्ति, जिसमें ज्ञान उत्पन्न हो गया, स्वस्वरूप का भ्रांति मिट गई और उस दर्शन के अनुसार भ्रांति ही संसार है, संसार वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक होता तो ये उपलब्ध होता, लेकिन ये उपलब्ध नहीं होता है, हमको केवल अनुभव में आता है, जब पकड़ने जाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता, इसका कोई और छोर नहीं। और जिसका कोई और छोर नहीं होता है वो वस्तु वास्तविक नहीं होती है। जैसे कोई पेड़ होगा तो उसकी धरती में कहीं तो जड़ होगी, अब जब हम पेड़ के नीचे चलेंगे तो कहीं जड़ मिल जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि सच्चा पेड़ है, लेकिन हम जड़ की तरफ जाएं और जड़ ही ना हो तो पेड़ होगा, इसका मतलब कि वो जादुई पेड़ है,
केवल दिखने के लिए पेड़ है, वास्तविक नहीं। ऐसे ही इस संसार का आरंभ नहीं मिलता कि कहाँ से शुरू हुआ। छोटा सा सवाल है कि पहले बाप हुआ कि बेटा, आज तक कोई जवाब नहीं कर पाया। कोई कहता है कि पहले बेटा हुआ, तो भैया बिना बाप के बेटा होता नहीं। कोई कहता है पहले बाप हुआ, तो भाई बाप होने के लिए पहले बेटा होना पड़ेगा। किसी से पैदा होगे बढ़ोगे तब ना बाप बनोगे विवाह होने के बाद। तो पहले बाप हुआ कि पहले बेटा हुआ यही नहीं पता। तो जब यही नहीं पता है, इसका मतलब है कि इसकी शुरुआत का कुछ पता नहीं है। कहीं से शुरू कर दिया कि भाई चलो अब यहां से शुरू हो जाओ, तो शुरू हो गए। माना की करके जैसे गणित का सवाल शुरू हो जाता है। माना कि सोहन के पास 15 रुपए थे, मोहन ने उसके 10 रुपए और दे दिए, तो बताओ कुल कितने रुपए हो गए। ये आपने 25 बता दिए। मोहन के पास रुपए कहां थे? वो तो माना था आपने कि माना कि 25 है, रुपए कहां है? रुपया नाम की कोई चीज नहीं है, मोहन नाम की कोई चीज नहीं है, सोहन नाम की कोई चीज नहीं है। आपने मान लिया कि एक मोहन है एक सोहन है, मोहन के पास ये है सोहन के पास ये है, फिर उसने उसको दिया उसने उससे लिया, और इसी में चलाते चले जाओ जितना चलाना हो। मान करके आप शुरू करते हो और फिर होता ही चला जाता है, कितना ही आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन शुरुआत शुरुआत मान मान करके हो रही है। इसका मतलब कि वास्तविक नहीं है। माना कि जितनी लंबाइयां आप नाप रहे हो, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर 2 मीटर 5 मीटर 1 फुट 2 फुट, वो सब कहां से नाप रहे हो? एक पहले एक बिंदु खुद से रखते हो, खुद से निश्चय करते हो कि यहां से, उसके बाद नापना शुरू हो जाता है, उसके बाद पूरी धरती नाप ली जाएगी। लेकिन वो जो जगह है जहां से आपने नापना शुरू किया, वो किसने तय किया? वो तो आप तय करते हो। इसका मतलब है कि कोई लंबाई नहीं है, लंबाई हमारी कल्पना है, ऊंचाई हमारी कल्पना है, गहराई हमारी कल्पना है। इस तरह से सब चीजें कल्पना के आधार पर खड़ी हुई हैं, वास्तविक कुछ है नहीं। ये जो जगत की अवास्तविकता है, इसको ठीक से समझ लेना। जैसे ही आप इसको ठीक से समझोगे, ये संसार हो करके भी ना होना नहीं हो जाएगा। अब वहां पे हम बैठे हैं, देखो शिवानंद भी खड़े हैं। कहां है वहां? लेकिन आपको दिख रहे हैं, तो जैसे वहां दिख रहे हैं, अब वहां पे हमको देखोगे, वहीं से सुनोगे, वहीं पे सब बात होगी। कभी रोओगे, कभी हंसोगे, सब कुछ होगा। वास्तव में कुछ नहीं, वो केवल पर्दा है बस, और एक रोशनी है, बीच में कुछ चीजें हैं, छन छन करके रोशनी में वहां पे अलग अलग तरह से दिख रही है। तो ये जो संसार है, ये असल में एक भ्रम है। जैसे सपने में संसार होता है हमारे, ये समझ लो कि सपना क्यों आता है हमको, आखिर सपने का उद्देश्य क्या है? किसी व्यक्ति को सपना क्यों आता है? आप लोगों में आता है किसी को? किसको किसको हाथ उठा दो वापस, ज्यादा लोग हो रहे हैं। जिसको नहीं आता सपना, वो हाथ उठाओ। जिसको सपना आता ही नहीं, कभी नहीं आया, जिसको कभी सपना ना आया हो आज तक, वो हाथ उठाओ। हाँ पंडित जी, आपको नहीं आता कभी भी? आया ही नहीं आज तक, तो आपको कैसे पता कि क्या होता है सपना जब आया ही नहीं? आपको पता है इसका मतलब आया है? तो यह सपना क्यों आता है? बड़ा सवाल है। यह सपना इसलिए आता है कि हमको ये संसार की सच्चाई दिखाने के लिए आता है।
कि देखो जैसे जागते समय जो संसार तुम देखते हो उसको सच मानते हो, ऐसे सपने में भी एक संसार है, वो भी सपने देखते समय सच होता है लेकिन जागने पर असत्य हो जाता है। उसी तरह सोते समय ये संसार भी असत्य हो जाता है। ये जागने सोने के बीच में पता चल जाता है कि जैसे वो झूठा है ऐसे ही ये भी झूठा है, जैसे सपने का संसार है ऐसे ही जागने का भी संसार है, वास्तविक दोनों नहीं है, दोनों दिमाग का एक इल्यूजन है, भ्रम है और बस उसी में हम जी रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस भ्रम का निराकरण हो जाए। सोई जा नहीं जय देव जनाई जाना तो तुम्हें तुम्हें हो जाए, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। जैसे स्वप्न का भ्रम जागने से चला जाता है वैसे ही सोने पर जगत का भ्रम भी चला जाता है। कहाँ रहता है संसार, कुछ नहीं रहता उस समय जब आप सो जाते। तो सपना आपको आता ही इसीलिए है ताकि जागृत में जो दिख रहा है उसकी सच्चाई आप समझ सको कि ये है, जैसे वो कर नहीं था सही ऐसे ये भी सही नहीं है, लेकिन उसका उपयोग आप करते ही नहीं, केवल उसको झूठा समझते हो, इसको सच मान लेते हो। तो इस भ्रम का जो निराकरण है वो मुक्ति है, उसका नाम है कैवल्य मुक्ति। और एक दूसरी तरह की मुक्ति है जिसको भक्ति कहा जाता है, वो पांच तरह की होती है। उसमें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सारष्टि, ये पांच तरह की मुक्ति होती है। उसमें भक्त भगवान होते हैं और भक्त चाहता है कि हम भगवान के लोक में चले जाएं, उसको कहते हैं सालोक्य। भक्त चाहता है कि हम भगवान के समीप चले जाएं, उसको कहते हैं सामीप्य। भक्त चाहता है कि भगवान का जैसा रूप है वैसे ही हमारा भी रूप हो जाए, हम एकदम उसमें शामिल हो जाएं, उसको कहते हैं सारूप्य। वो चाहता है कि बस भगवान और मुझ में कोई अंतर ही ना रह जाए, बस ऐसे जुड़े कि एक हो जाएं, उसको कहते हैं सायुज्य। और भगवान के पास जैसा ऐश्वर्य है, तीन लोक हैं, 14 भुवन हैं, ऐसे हमारे पास भी हो जाएं, हम भी उनका संचालन करें, उसको कहते हैं सारष्टि। उनके पास जैसी स्तन संपत्ति है वैसे ही हमारे पास होते। ये पांच तरह की मुक्तियां हैं जो भक्ति के अंतर्गत आती। भक्त जो है इन्हीं में से किसी एक को चाहता है और चाह करके तदनुसार भगवान को पाने का आनंद लेता है। तो ये हमारे मन में कामनाएं हैं, या तो हम मुक्ति चाहते हैं, या तो भक्ति चाहते हैं, या तो लौकिक कामनाएं हमारी पूरी। अब ये जो कामनाएं हैं इन्हीं के लिए तीन उपाय बताए शास्त्रों में। एक ज्ञान है कैवल्य मुक्ति के लिए, एक कर्म है लौकिक सिद्धि के लिए, और एक भक्ति है जो शरणागति के रूप में होती है। इसीलिए भक्त के बारे में गीता में भगवान ने कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, मेरे चार प्रकार के भक्त हैं संसार। राम भगत जगचारी प्रकारा सुकृति चारी अनग उदारा। तुलसीदास जी महाराज ने इसी श्लोक का अनुवाद किया रामचरितमानस में। चार प्रकार के भक्त हैं, एक हैं आर्त। आर्त माने जब बड़ी समस्या आ जाती है, विपत्ति में फंस जाते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, वो भी भक्त हैं क्योंकि भगवान को तो पुकारते हैं। एक जिज्ञासु हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। एक अर्थार्थी हैं जो भगवान से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं कि ये नहीं है ये मेरे हो जाए। और एक ज्ञानी, वो भी भगवान का भक्त है, वो भगवत तत्व को जानता है। ये चार प्रकार के भक्त होते हैं। किसी ने समझाने के लिए दृष्टांत बताया कि एक व्यक्ति के चार बेटे थे। बाजार से लौटा वो तो हाथ में आम लेकर के झोले में आया, तो उसके चारों बेटे
घर में खेल रहे थे, उन्होंने उसको देखा। एक लड़का उसमें से मांगने लगा कि हमको दीजिए, आम दीजिए, पापा आम दो, पिताजी आम दो। पिताजी कुछ बोले नहीं, तो एक दूसरा जो था वो तो जमीन पे बैठ करके पैर पटकने लगा, रोने लगा, रही नहीं पा रहा था बिना आम के देखने के बाद। तीसरा वो खड़ा रहा, आम की तरफ देखता रहा, लेकिन ना तो उसने मांगा और ना तो रोया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और जो चौथा था उसने आम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, अपने काम में खेल में लगा रहा। पिताजी ने काम दे दिया, लेकिन चारों ने अपनी प्रकृति बता दी। जो आम को देखते ही मांगने लगा कि मुझे दो मुझे दो, वो तो अर्थार्थी था। जो रोने लगा, पांव पटकने लगा, वो तो आर्त था। जो आम की तरफ देख रहा था लेकिन मांग भी नहीं रहा था, रो भी नहीं रहा था, वो तो जिज्ञासु था। और जो अपने खेल में ही लगा रहा, ध्यान ही नहीं दिया आम की ओर, है तो ठीक नहीं है तो ठीक, वो ज्ञानी था। ये चार प्रकार के भक्त बताए गए हैं। अब सवाल ये है कि इन चारों में भक्त हम कौन से भक्त हैं? हम अपने आप को तौलें कि असल में हम किस तरह के भक्त हैं। तौलिएगा, अभी तुरंत जरूरत नहीं है, बाद में विचार करते समय, और बताने की जरूरत नहीं है, अपने स्वयं समझने की जरूरत। भक्ति जो है वो क्या है? भक्ति शरणागति। तीन तरह के लोग हैं संसार में। एक को अपने पुरुषार्थ पे भरोसा है कि मैं कर लूंगा, कमा के खा लूंगा। दूसरा है वो कहता है कि मैं इसमें क्यों जाऊं, खाना पीना शरीर का धर्म है, शरीर है नहीं है, आत्मा में स्थित हो गया, उसको इसकी जरूरत ही नहीं। और तीसरा है वो सोचता है कहाँ से मिले कहाँ से मिले, तो जहाँ से मिले वहीं पहुँच जाता है और वहीं शरणागत हो जाता है। दूसरी तरह से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि तीन प्रकार के लोग हैं संसार में। एक वो हैं जो संसार को बिल्कुल सत्य समझते हैं कि संसार एकदम सच्चा है, ये बात गलत है कि झूठा है, मिथ्या नहीं है, संसार एकदम सामने दिखाई दे रहा है, सच्चा है, इसलिए जो कुछ करेंगे उसका परिणाम होगा, माने हर कर्म का एक फल होगा, और कर्म शुभ हैं अशुभ हैं, मुझे शुभ फल चाहिए तो शुभ कर्म करूंगा, अशुभ फल चाहिए तो अशुभ कर्म करूंगा, भगवान की क्या जरूरत, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये तो है गीता का ज्ञान। आखिर भगवान का रोल क्या है? ज्यादा से ज्यादा एक मुनीम का, मुकद्दम का, इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है भगवान का। जब हमको अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त करना है, भगवान का क्या लेना देना, वो केवल हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखेंगे, जैसा हमने किया है वैसा दे देंगे। तो हमको अपने कर्म पे भरोसा रखना है, भगवान से क्या लेना देना है, वो ये सोचता है, इसलिए वो भगवान पे भरोसा नहीं करता, अपने आप पे भरोसा करता है। वो कर्मकांडी होता है, माने कर्म करने वाला होता है, कर्म पे विश्वास रखने वाला। जस जो जस करी सो तो सफल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, उसका ये कहना है। दूसरा जो है वो कहता है कि संसार तो है ही नहीं है, सब मिथ्या है, भ्रम है, तो फिर इसमें क्या प्रयास करना, मिथ्या चीज है
इसमें चाहे गुड़ हो चाहे नमक हो, ना गुड़ गुड़ है ना नमक नमक है, केवल चित्र ही तो है, गुड़ का चित्र और नमक का चित्र। गुड़ के चित्र में मिठास नहीं होगी और नमक के चित्र में वो स्वाद नहीं होगा। दोनों चित्र हैं, केवल देखने के लिए हैं, इसमें क्या रखा है। इसलिए वो आनंद में अपनी आत्मा में रमण करते हुए रहता है। और जो तीसरा है वो सोचता है कि पता नहीं ये संसार सच्चा है कि झूठा है, कहीं सच्चा हुआ तो कहीं झूठा हुआ तो, हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि यह संसार सच्चा है कि झूठा है। तो वो सोचता है कि जब हमको निश्चय नहीं हो रहा है कि यह संसार सच्चा है कि झूठा है, तो वो किसी जानकार की शरण में जाना चाहता है कि आप समझो कि सच्चा है कि झूठा, हम तो नहीं जानते और हमारा इतना दिमाग भी नहीं है, हम इसमें लगाना भी नहीं चाहते, हम तो आप पे भरोसा करते हैं आप जैसा। वो जो व्यक्ति है जो संसार को बिल्कुल सच्चा समझता है वो भी भगवान के नहीं जाता, और वो जो संसार को मिथ्या समझता है वो भी भगवान के नहीं जाता। वो जो बीच वाला है कि पता नहीं सही है कि पता नहीं गलत है, वो सोचता है कि पता नहीं कैसा है, इसलिए हे भगवान आप ही जानो कि ये सच्चा है कि झूठा है, मैं तो आपकी शरण में हूँ, जो सही वो हमारे लिए कर देना। वो भगवान की शरण में चला जाता है, उसी का नाम है भक्त। यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्म बुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद मंत्र है ये, श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है। इस मंत्र में बताया कि जिसने सबसे पहले ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा को बना करके ब्रह्मा के हृदय में चारों वेद का ज्ञान उतारा और फिर ब्रह्मा जी की सारी सृष्टि बनवा दी, मुझे बना दिया, जब उसी ने सब कुछ किया है तो मैं वही आगे भी करेगा। अभी तक का जितना संसार बना वो सब उसी ने बनाया, तो आगे का जो बनना है वो भी वही बनाएगा, इसलिए मैं उसी की शरण में चला जाता हूँ। मुमुक्षु हूँ मैं, मेरे में मोक्ष की इच्छा है, जो जो बंधन है उन सब बंधन से निकलना चाहता हूँ। तो ये भक्ति का बीज यहाँ वेदों में दिखाई देता है, और यहाँ पर ये नहीं बताया कि ये ब्राह्मण भक्ति करे, शरणागति करे, क्षत्रिय करे, स्त्री करे, पुरुष करे। यहाँ कहा मुमुक्षुर वही शरणम हम प्रपद्ये, माने जिसके मन में मोक्ष की इच्छा हो वही शरणागति हो सकता है। इसका मतलब ये सामान्य धर्म है, ये विशेष धर्म नहीं है, सबके आचरण के लिए। भक्ति मीमांसा दर्शन में सांडिल्य ऋषि ने भी यही कहा, आनिंद्य योन्यधिक क्रियते, ब्रह्मा से लेकर के एकदम निंदित योनि तक सब के लिए ये इसका अधिकार है, कोई भी भगवान की शरण में किसी भी समय जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, माम ही पार्थव्य पाश्रित्य ये भी स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा ते भी यान्ति पराम गतिम किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य। भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेकर के सब परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, माने मुझे शरणागत होने का सबको अधिकार है, स्त्री हो वैश्य हो शूद्र हो, सबको मेरी शरणागत में। और जो मेरी शरणागति में आ जाता है ब्राह्मणों के वध का भी, जिसको पाप लग गया हो अगर वो भी शुद्ध भाव से पश्चाताप करते हुए मेरी शरणागति में आ जाए तो मैं उसको भी छोड़ता नहीं, उसको भी अपना लेता हूं। भागवत जी में आया है, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः।
इसमें कई तरह की जातियां जो सनातन धर्म से इतर हैं, म्लेच्छ जातियां हैं, उनका उनकी गिनती करवा दिया और कहा कि अगर ये भी केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही नहीं, जो म्लेच्छ जातियां हैं अगर वो भी हमारी शरण में आ जाएं तो शुद्ध्यन्ति वो भी शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। इसलिए भक्ति का बड़ा महात्म्य हो गया। ये भक्ति क्या है, अगर आपके मन में ये बात आए तो कैसे समझेंगे? का भाई भक्ति का मतलब है भजन करना, एक क्रिया है भक्ति, लेकिन ये क्रिया नहीं हो सकती क्योंकि वेद मंत्र कह रहा है कि जो मेरी शरण में आएगा उसको हम मुक्त कर देंगे, और वेद ही मंत्र कहता है न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति। संन्यास लेना ही क्यों पड़ता है? क्योंकि न कर्मणा, कर्म से ये नहीं प्राप्त होता मोक्ष, न प्रजया संतान उत्पन्न करने से प्राप्त नहीं होगा, न धने न धन से नहीं प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि जो करने से जो मिलता है वो स्वर्ग है, तो मोक्ष नहीं हो सकता, इसीलिए कर्म से यह मिलता नहीं है। इसका मतलब भक्ति कर्म नहीं। तब क्या है भक्ति का? भक्ति ज्ञान हो सकती है, इस बात का ज्ञान कि हम भगवान के भक्त हैं, ये मेरे आराध्य हैं, हम इनकी आराधना करते हैं, ये हमको ज्ञान है, इसलिए भक्ति ज्ञान होगी। का भक्ति ज्ञान भी नहीं हो सकती। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता में भगवान ने कहा कि अनेक जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी मुझको प्राप्त करता है। तो ज्ञान का फल है भक्ति, तो जो फल है और जो पेड़ है दोनों एक नहीं हो सकते। कार्य और कारण दोनों लक्षण होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए ज्ञान से भक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए ज्ञान कारण हो गया, भक्ति फल हो गया, दोनों अलग हैं, इसलिए भक्ति ज्ञान भी नहीं। तब क्या है भक्ति? कहा ये श्रद्धा है भक्ति, क्योंकि भक्त जो है वो कहता है मैं श्रद्धालु हूं, लेकिन श्रद्धा भी भक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपको बताया हम लोगों ने कि श्रद्धा क्या है, गुरु और शास्त्र के वचन पर विश्वास, इसका नाम श्रद्धा है। तो जब हम समस्या में पड़े तो हम गुरु के पास गए, गुरु जी समस्या है, कहा बेटा देखो ये शास्त्र है, इस शास्त्र में ये वाला अनुष्ठान बताया गया है, इसको कर लो तुम्हारा सब हो जाए। हमने कहा ठीक है हम कर लेंगे। अब हमें उन्होंने कहा शनि का जप करवा लो। अब हमारे मन में शनि की भक्ति नहीं है, हम शनि के भक्त नहीं हैं, लेकिन हमको विश्वास है कि गुरुजी ने शास्त्र दिखा करके कहा है तो इसको करने से सही ही होगा, तो हम श्रद्धा के कारण वो अनुष्ठान करते हैं। भक्ति कहाँ है? भक्ति की वहाँ बात नहीं है। तो श्रद्धा अलग वस्तु है। श्रद्धा का मतलब है कि श्रद्धा के बिना कार्य सफल नहीं होगा, लेकिन भक्ति के बिना कार्य सफल हो जाएगा अगर श्रद्धा है तो। श्रद्धा से अनुष्ठान कराया हो जाएगा, भक्ति होना जरूरी नहीं। कर्तव्य बुद्धि मात्र से अगर करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। तो यहां पर श्रद्धा और भक्ति दोनों को अलग अलग बताया गया। तो जब दोनों अलग हैं इसका मतलब है कि श्रद्धा जो चीज है वो भक्ति नहीं हो सकती है। तब भक्ति क्या है? कहा जो हमारी इच्छा है वो भक्ति है, कामना ही भक्ति है। हम भगवान को चाहते हैं, चाहना यही भक्ति है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि हम चाहते किस चीज को, जो चीज असिद्ध होती है उसको हम चाहते हैं, जो सिद्ध है उसको नहीं चाहते। माने अप्राप्त वस्तु को हम चाहते हैं, जो हमको प्राप्त नहीं है उसको हम चाहते हैं, जो प्राप्त है उसको हम क्यों चाहेंगे। और भगवान तो हमको पहले से ही प्राप्त हैं, इसीलिए चाहना भी भक्ति नहीं हो सकती। और जो भक्ति है वो जो चीज हमको मिल गई है उसमें भी हम कर सकते हैं। चाहना तो जो नहीं मिला है उसके लिए होता है कि हमारे पुत्र नहीं है तो हम पुत्र चाहेंगे, हमारे पत्नी नहीं है, पति नहीं है तो हम पति पत्नी चाहेंगे। लेकिन हमारे माता पिता हैं तो जब हमारे माता पिता हैं तो हम माता पिता क्यों चाहेंगे, और जब माता पिता नहीं चाहेंगे तो चाहना तो बनी नहीं लेकिन भक्ति बन जाएगी। मातृभक्त बालक है, पितृभक्त बालक है, माता पिता की भक्ति करता है, तो माने चाहना नहीं है लेकिन भक्ति है। इसका मतलब चाहना और भक्ति अलग अलग चीजें। इसलिए चाहना, कामना करना भी भक्ति नहीं है। फिर क्या है भक्ति, ये प्रश्न उठता है कि आखिर भक्ति है क्या। तो आपको बताना चाहेंगे कि भक्ति जो है वो अंतःकरण की एक विशेष वृत्ति है। ये स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध वस्तु है, अंदर से निकलती है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे हमारे मन की जो वृत्ति है वो जहां जाएगी उसी के आकार की हो जाएगी। कैमरे के सामने जो कुछ खड़ा रहेगा, क्लिक करते ही जो सामने है वैसा ही कैमरे में फोटो आ जाएगा। कैमरे में वो फोटो कहां से आ गया, जो आलंबन उसको दिखा उसको उसने पकड़ ली। इसी तरह ये जो भक्ति है ये स्वतः सिद्ध वस्तु है, अंतःकरण की वृत्ति है, और इस वृत्ति का नाम है राग, रागात्मिका वृत्ति इसको कहते हैं। रागात्मिका वृत्ति का मतलब है कि हमारे मन में अपने आप राग होता है। इसी राग को साहित्य में श्रृंगार कहा जाता है। इसी राग को जो संगीत वाले हैं वो राग कहते हैं, और जो विद्वान हैं वेदों का अध्ययन करते समय इसी को रस कहते हैं, रसो वैसा। भक्ति मीमांसा दर्शन सूत्र कहता है द्वेष प्रतिपक्ष भावाद रस शब्दाच्च रागः। द्वेष का प्रतिपक्ष भाव इसी का नाम है राग। राग और द्वेष दो होता है ना, जहां द्वेष नहीं होता वहां राग होता है, और जहां राग होता है वहां द्वेष नहीं, जहां द्वेष है वहां राग। ये द्वेष से जैसे प्रकाश को, क्या प्रकाश क्या है तो अंधारा अंधेरा दिखा करके प्रकाश को बताया जाता है, ऐसे ही द्वेष को दिखा करके राग बताया जा रहा है, राग को बता के द्वेष बताया जाए। तो राग और द्वेष किन्हीं वस्तुओं से हमारा सहज लगाव और किसी वस्तुओं से हमारी सहज घृणा चिढ़, ये हमारे अंदर पहले से बनी हुई है। तो जो स्वाभाविक लगाव है उसी का नाम है राग, और वो राग ही भक्ति है। विद्वेषादपि गोविंदम दमघोषात्मज स्मरन शिशुपालो गतस्वर्गम किं पुनस्तत्परायणः। भागवत जी में आया है कि शिशुपाल जो है दमघोष का लड़का, वो भगवान से द्वेष करता था, अब द्वेष करने के कारण भगवान का चिंतन करते हुए मारा गया, तो उसने भगवान को पा लिया। जो
प्रेम से चिंतन करेगा भगवान का, उसका क्या, उसको तो मिलना ही मिलना है। जब द्वेष से चिंतन करने पर भी मुक्ति मिल जाती है तो राग से चिंतन करने पर तो मिलनी ही मिलनी है। इसीलिए वेद कहता है रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, ये जो रस है, ये जो राग है, ये हमको आनंद को तरफ लेके जाता है। तो अब साफ क्या हो गया कि राग ही भक्ति है। ये राग कौन सा परानुरक्ति ईश्वरे, राग को ही अनुराग भी कहते हैं। ईश्वर में जो अनुराग है उसी अनुराग का नाम भक्ति है, ये भक्ति सूत्र कहता है। माने जब स्वाभाविक रूप से हमको किसी से प्रेम होता है उसका नाम भक्ति है, और जब किसी कामना से हमारा किसी से प्रेम होता है वो भक्ति नहीं है, वो वासना है। किसी उद्देश्य से हम किसी से प्रेम करते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे में सेवा करेगा, ये बहुत अच्छा गाता है हमको सुनाएगा, जब हमारा मन अच्छा नहीं रहेगा तब इससे गाना सुनेंगे, इसलिए इसको पाल के रखो, प्रेम रखो, ये तो ये भक्ति नहीं है, ये प्रेम नहीं है। तब क्या है, कहा कि अनुराग जो है वो ऐसा है कि खंडित नहीं होना चाहिए। जो हमारा संसार में प्रेम है वो भी प्रेम ही है, लेकिन वो भक्ति नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं भक्ति कहा जाता है, क्योंकि उसके खंडित होने का अंदेशा है। जैसे कोई भक्त है उसने मूर्ति को ही भगवान मान लिया, तो जब मूर्ति टूट जाएगी तो वो दुखी हो जाएगा। कोई संसारी है उसने अपने पति पत्नी में ही भक्ति कर ली, प्रेम कर ली, तो क्या होगा कि जब पत्नी मरेगी, जब पति मरेगा तो उसको कष्ट होगा, तो भक्ति में कष्ट क्यों होना चाहिए। इसी तरह से जब हम सोचते हैं तब हमको एक बात खास पता चलती है, और वो खास बात क्या है, वो खास बात यह है कि हम जब किसी दूसरे से प्रेम करेंगे तो वो भक्ति नहीं होगा। असल में किसी दूसरे से हम प्रेम कर ही नहीं सकते, माने भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उसको खंडित होने का डर है। जिससे भी हम प्रेम करेंगे जब वो बिखर जाएगा तो फिर हमारा जो भाव है वो भी बिखर जाएगा, भक्ति खत्म। इसलिए हम किसमें अपने मन को लगाएं जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो हमारा जो प्रेम है वो खंडित नहीं होगा। प्रभवति विषयेषु येषु रागः परिणमते विरतेषु तेषु शोकः त्वयि रुचिर रुचिता नितान्तकान्ते रुचि परिपाक सुचाम गोचरोसी। विषयों में जिसका राग हो जाता है, जब विषय परिणाम को प्राप्त होते हैं तो उसके मन में शोक हो जाता है। इसलिए जो नितान्त कांत है उसमें अगर हम अपने मन को लगाएंगे तो फिर हमारा मन कभी भी खंडित नहीं होगा। इसलिए इस संसार में प्रेम करने लायक अगर कोई है तो कौन है, किससे हमारा स्वाभाविक प्रेम है, सबसे स्वार्थ का प्रेम है। सुर नर मुनि सब करी यह रीति और स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सब स्वार्थ के लिए प्रेम कर रहे हैं। ये जितने लोग जुड़े हुए हैं ये सब किसी न किसी स्वार्थ बस जुड़े हुए हैं। किसी का कुछ स्वार्थ है, अच्छा स्वार्थ हो सकता है, लेकिन स्वार्थ तो स्वार्थ, कामना तो कामना है। लेकिन बिना किसी कारण के हम जिससे प्रेम करते हैं वो असली चीज। तो आप देखेंगे कि हम संसार से किसी न किसी प्रयोजन से प्रेम करते हैं, लेकिन अपने आप से जब जो हमारा प्रेम है वो किस कारण से। उसका कोई कारण ही नहीं। हम अपने आप से क्यों प्रेम करते हैं, इनसे तो इस कारण से, उनसे तो उस कारण से, उनसे तो उस कारण से, अपने आप से क्यों करते हैं? तो हमारा अपने आप से जो प्रेम है
वो अकारण है, निष्प्रयोजन है, इसलिए असली प्रेम वही है जो सहज स्वभाव से निकला। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में बात आई गार्गी और मैत्रेयी को याज्ञवल्क जी समझा रहे थे, याज्ञवल्क जी की दो पत्नियां थीं गार्गी और मैत्रेयी, उन्होंने सोचा कि हम अब संन्यास धारण करें, तो संन्यास धारण करने के लिए जाने के पहले दोनों पत्नियों को उन्होंने बुलाया, कहा भी आप लोग आधा आधा बांट लीजिए, हमारी जो संपत्ति है अब हम संन्यास लेंगे, त्याग रहे हैं, आप लोगों आधा आधा ले लीजिए, तो आधा आपका आधा आपका। तो एक पत्नी ने कहा कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, अब आपके बाद जीवन यापन करने के लिए हमको कुछ तो चाहिए ही, अच्छा किया आपने पहले से बांट दिया। दूसरी ने कहा कि महाराज ये बताइए पहले हमको कि ये जो संपत्ति आपकी है आप इसको क्यों छोड़ रहे हैं? ये तो लोग परिश्रम करके अर्जन करते हैं और आप इसको छोड़ रहे हैं, ऐसा क्या मिलने वाला है जिसके लिए इसको छोड़ रहे हैं आप? कुछ ऐसा जरूर है जिसके लिए इतनी बड़ी संपत्ति आपके द्वारा छोड़ी जा रही है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा हाँ जरूर ऐसी वस्तु है, अन्यथा हम क्यों छोड़ते, जब बड़ी चीज मिलती है तभी छोटी चीज को कोई छोड़ता है, नहीं तो कौन छोड़े। इसलिए इससे बड़ी वस्तु है जिसको हम पाना चाहते हैं उसी के लिए सब छोड़ रहे हैं। कहा तो महाराज आप बड़ी वस्तु पाएंगे और हमको छोटी वस्तु में उलझा रहे हैं, इसलिए मैं ये संपत्ति नहीं लेना चाहती, मैं तो जो संपत्ति आप चाहते हैं वही चाहते हैं। वो प्रसंग है वहां पर, उसी प्रसंग में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। इस संसार में जो प्रेम है वो किसी के लिए किसी का प्रेम है, लेकिन असल में किसी के लिए नहीं, अपने लिए सबसे हमारा प्रेम है। जैसे अभी हमको अनुकूलता न मिले तो सबका सबसे प्रेम हमारा छटक जाएगा, जो हमारे अनुकूल है उसी से हम प्रेम करते हैं, प्रतिकूल से प्रेम नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि हम अपने पे ही केंद्रित हैं, अपने लिए ही सब कुछ देख रहे हैं जो हमारे, तो अपने लिए हमारा बाकी से प्रेम है। इसलिए असली केंद्र कहाँ है? अपना है। किसी और के प्रति अनुराग के हमारे पास कारण हैं, लेकिन स्वयं से अपने आप से अपने अनुराग का कोई कारण नहीं है, वो निरुपाधिक है, सहज है, अकारण है, स्वाभाविक है। इसलिए भक्ति का स्वरूप कहां से निकल के आएगा? तो कहते हैं कि दो तरह के लोग हैं, एक मूर्ख है एक पंडित है। जो मूर्ख है उसकी मूर्खता में प्रमाण क्या है? का वो अपने शरीर को ही आत्मा समझता है कि मैं शरीर हूं, और जो विद्वान है वो शरीर से पृथक करके अपने आप को समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहने वाला शरीर ही हूं। यही दोनों में अंतर है। तो जो शरीर में नहीं रहता है वो जब प्रेम करेगा तो किससे करेगा, और जो शरीर को ही आत्मा माने है वो किससे प्रेम करेगा? जो शरीर को ही आत्मा मानता है वो शरीर से प्रेम करेगा, और जो शरीर से पृथक आत्मा मानता है वो आत्मा से प्रेम करेगा, शरीर से आत्मा के कारण प्रेम होगा उसको। इसका मतलब ये है कि तस्मात् प्रियतम स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम, आत्मा जो है सबके लिए परम प्रेमास्पद है। ये एक सिद्धांत हमने निरूपित किया आपके सामने। अब ये निरूपण हमने इसलिए थोड़ा समय लेकर के किया कि बहुत समझने की बात है। समझने की बात क्या है
कि जो भक्ति का पंथ है उसमें एक बड़ी धारणा ऐसी व्याप्त हो गई है कि इसके लिए द्वैत की जरूरत है, द्वी की जरूरत है, एक ईश्वर होगा और एक उसका भक्त होगा, भक्त और भगवान, बिना दो हुए कैसे भक्ति हो सकती है। भक्ति के लिए तो एक भगवान होना चाहिए और एक भक्त होना चाहिए। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान मेरे मन से ना जाए कि मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। माने दो अभिमान हो गए, तो दो अभिमान का मतलब द्वैत। तो इसलिए जो द्वैत मत के समर्थक हैं वो ये धारणा बैठा दे रहे हैं। और जबकि सिद्धांत क्या निकल करके आया, सिद्धांत ये निकल करके आया कि आत्मा से ही परम प्रेम हो सकता है, आत्मा के कारण बाकी से प्रेम होता है। तो अगर भगवान हमसे अलग होंगे तो फिर उनसे प्रेम कैसे हो पाएगा, फिर तो स्वार्थ हो जाएगा। प्रेम तो सहज प्रेम जो है वो हमारा अपने आप से होता है। इसलिए सामान्य बुद्धि में भेदवाद भक्ति में बताते हैं कि एक भगवान होगा एक भक्त होगा, एक सेव्य होगा एक सेवक होगा, एक जीव होगा एक ईश्वर होगा, एक उपास्य होगा एक उपासक होगा, जो शब्द कहना चाहिए। दो होना उनके लिए जरूरी है, लेकिन दो होने पे खतरा ये है कि परम प्रेम वहां उत्पन्न ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने आप से ही हमारा सहज प्रेम है और सहज प्रेम का नाम ही भक्ति है। किसी कामना से अगर प्रेम है तो वो भक्ति नहीं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं सत्यपि भेदापगमे नाथ तबाहम नमामकी नस्त्वम सामुद्रो ही तरंगः वचन समुद्रो न तारंगः। अरे वाह, आप लोग तो बहुत बड़े विद्वान। भगवान शंकराचार्य जी का शब्द क्या है, वो कहते हैं कि जैसे समुद्र और तरंग दो चीजें हैं। अब बताइए कि दो चीजें हैं, समुद्र और तरंग अलग अलग चीज है। तरंग क्या होती है? समुद्र ही है, हवा से यूं उठा यूं गिरा, यूं उठा यूं गिरा, उसी का नाम तो तरंग है। तरंग नाम की कौन सी चीज है? तरंग नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन व्यवहार होता है तरंग का। एक बात, एक तो यहां अद्वैत है, द्वैत है ही नहीं, दो नहीं है, बस केवल कल्पना करके दूसरा रख दिया है। और दूसरे अगर दो हैं भी तो तरंगों का समुद्र है कि समुद्र की तरंगें हैं? क्या शब्द प्रयोग करेंगे आप लोग? तरंगों का समुद्र मैंने देखा कि समुद्र की मैंने तरंगें देखी? ये देखिए, अगर दो हैं भी तो सामुद्रो ही तरंगः क्वचिदपि समुद्रो न तारंगः। कहीं भी तरंगों का समुद्र नहीं होता, समुद्र की तरंगें होती हैं। इसलिए महाराज नाथ तवाहम, पहले तो हमारे तुम्हारे में भेद नहीं है, ये भेद वाली जो कल्पना है, भेद भक्ति, ये सही नहीं है, सिद्धांत सही बैठता नहीं है। और दूसरे अगर द्वैत की हम कल्पना कर ले, कल्पना ही तो करते हैं हम, आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, करते रहते हैं ये सब जो हम वहां खड़े होके करते हैं, कितने प्यार से करते हैं। जब कोई ना देखता रहे उस समय का कोई वीडियो बना ले तो पता चले, इतनी तन्मयता से है ना देखते उसको हैं, सजाते अपने आप को। इसका मतलब है कि जो जो दो हम होते हैं उस उन दो में से एक कल्पित होता है और एक वास्तविक होता है, एक बिंब होता है एक प्रतिबिंब होता है। तो इसी तरह से भक्ति के लिए अगर कोई कल्पना कर ली गई है
तो वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में दो मानोगे तो खराबी आ जाएगी। खराबी क्या आएगी कि असल में सहज प्रेम हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जो द्वैत की भक्ति है वो बनती नहीं, भेद जो है वो बनेगा नहीं। और भेद जो है, भेद करने के लिए अन्योन्य होना चाहिए। अन्योन्य माने अन्य का अन्य में भेद होता है। राम का श्याम में भेद है, श्याम का राम में भेद है। अब राम और श्याम दोनों दो होंगे तब ना दोनों का भेद होगा, और दोनों दो ना हो, एक राम हो और एक राम का फोटो हो, तब क्या होगा? तो भेद होगा। राम अलग है, राम का फोटो अलग है। एक आदम कद आपने एक खड़ा कर दिया राम, और एक राम असली खड़ा कर दिया, मोम का पुतला समझ लो, एक असली खड़ा कर दिया अजय गौतम, और दूसरा मोम का पुतला अजय गौतम खड़ा कर दिया। अब दोनों को देख रहे हैं, दो हो गए ना, लेकिन दो थोड़े हैं वो, उनमें परस्पर भेद बनेगा? जबकि भेद का किसका नाम है? अन्योन्य। भेद में अन्योन्य होना चाहिए। अन्योन्य माने अन्य का अन्य में भेद होगा। यहां अन्योन्य भेद नहीं बनेगा, क्योंकि एक जो है वही दूसरा है। तो ऐसी परिस्थिति में भेद होगा तभी भक्ति होगी, ये मानना ठीक नहीं है। बल्कि ये होगा कि अभेद में ही असली भक्ति होती है ना। भगवान कहते हैं कि प्रपत्ति माने शरणागति ही असल भक्ति है। वो शरणागति क्या है? किसकी शरण में जाएंगे? सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्त्वतम् मम। भगवान कहते हैं, जब विभीषण आया है वहां का प्रसंग है, लोग कह रहे थे कि अरे पता नहीं किस भावना से आया है, इसको मार देना चाहिए, बांध लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, शरणागत होके आया, आने दो। जो एक बार शरणागत होकर के मेरे सामने आ जाता है, चाहे कोई हो, मैं उसको अभय दान कर देता हूं। भगवान देते क्या है? जब कोई डरता है, डर करके तो भाग के किसी शरण में जाता है। बच्चा डर पिताजी से डरता है तो माँ की गोद में जाके छुपता है, तो माँ क्या करती है? अपने आंचल से उसको ढांक देती। पिता क्रोध में है, मारने आते हैं, कहते हैं हमको मार लो, इसको मत मारो, माने अभय दान करती। भय से भयभीत होकर के वो शरण में आया, बदले में उसको अभय मिला, यही तो भक्ति है। तो ये जो शरणागति है, भक्ति है, इसमें अभय प्राप्त होता है। और अभय कैसे हो सकता है? वेद कहता है द्वितीयाद वै भयम् भवति। ये भय नाम की जो चीज है वो कहां से आती है? द्वितीयाद, कोई दूसरा है जो मुझे मार देगा, ये दूसरा है, इतनी बात से ही तो हमको भय है, और क्या है? अगर हमको ये पता हो जाए कि दूसरा है ही नहीं है तो हमको भय होगा। जहां दूसरा होता है वहीं पे हमको भय होता है। इसलिए द्वैत बुद्धि का विनाश किसी का नाम है शरणागति, और इसी शरणागति से द्वैत मिट जाता है, अद्वैत सिद्ध हो जाता है, और अद्वैत ही अभय है। इसलिए आत्म स्थिति, स्वयं में पहुंच जाना, द्वैत का मिट जाना, अद्वैत की प्रतिष्ठा बन जाना, इसी का नाम है भक्ति। इसलिए आत्म तत्व का विचार, इसी का नाम भक्ति है। भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में भी यही बताया कि स्वस्वरूप
में प्रतिष्ठा हो जाना, इसी का नाम भक्ति है। कोई दूसरा नहीं है, भजनीय है। आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, इसका नाम भक्ति है। अब इसके अलग अलग सोपान अलग अलग हैं, धीरे धीरे, जैसे पहले कामनाएं अलग बताई, फिर धीरे धीरे ऊपर की कामना हो गई, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करते करते वहां जाएगा, लेकिन अंतिम रूप से आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही भक्ति है। इस तरह से भक्ति का निरूपण हुआ। अब कल अंतिम सत्संग होगा 5 बजे से 7 बजे तक, जैसा कि रोज हो रहा है, और उसमें अंतिम में तो प्रसाद ही बनता है। तो प्रसाद नाम का एक सामान्य धर्म है, जैसे आज भक्ति नाम के सामान्य धर्म के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, ऐसे ही प्रसाद नाम का एक सामान्य धर्म है। कोई ये ना सोचे कि कल प्रसाद है तो मतलब बटने वाला है, कोई लड्डू पेड़ा नहीं बटेगा, लेकिन प्रसाद नाम का जो धर्म है वो बटेगा। अब वो क्या है ये तो कल ही पता चलेगा। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।